अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू एडमायरल। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज जो स्टिच हम बनाना सीखेंगे उसका नाम है बेरी स्टिच। तो आए शुरू करते हैं। बेरी स्टिच बनाने के लिए सबसे पहले स्लिप नॉट के बाद मैं 25 चेन्स बना लूँगी। इसी तरह ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। रो कंप्लीट करने के बाद काम को टर्न करना है। और दो चेन्स बनाने हैं यहाँ पे जो कि एक सिंगल क्रोशे के बराबर होता है। उसके बाद अगले में भी सिंगल क्रोशे करना है। तीन सिंगल क्रोशे करने के बाद बेरी स्टिच बनाने के लिए ये वाला लूप एज इट इज इसे ऐसे ही यहाँ पे छोड़ देना है। हुक निकाल के अगले वाले स्टिच में हुक डालना है और तीन चेन्स बनानी है। 1, 2, 3। तीन चेन्स बनाने के बाद ये लूप भी ऐसे ही छोड़ देना है। अब पिछले वाले लूप में हुक डाल के इस वाले लूप को भी साथ ही लेना है और एक सिंगल क्रोशे एज इट इज कर देना है। अब अगले में जो ये चेन्स बनाई है इसे थोड़ा सा आगे की तरफ करके पीछे से नेक्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाना है। बिल्कुल ऐसे। अब इस वाले को आगे की तरफ करना है और यहाँ पे एक चेन स्टिच बना देना है। पूरी रो में इसी तरह करना है। पीछे हमने तीन सिंगल क्रोशे बनाए थे, यहाँ पे भी तीन सिंगल क्रोशे बनाने हैं ताकि सिमेट्री हमारी पैटर्न में रहे। तीन बनाने के बाद फिर से वही करना है, यहाँ पे इसी लूप को छोड़ देना है, हुक निकाल के अगले में डालना है। 1, 2, 3। अब पिछले लूप जो हमने छोड़ा था उसमें हुक डाल के अगले लूप को भी साथ ही मिलाना है और सिंगल क्रोशे कर देना है। उसके बाद ये जो चेन्स हमने बनाई हैं इसे थोड़ा आगे करके बाहर की तरफ निकाल के अगले स्टिच में भी सिंगल क्रोशे कर देना है। आई होप आपको क्लियर होगा। इसी तरह ये बेरीज बनती जाएंगी। रो वन कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट रो बनाने के लिए हम इसे टर्न करेंगे काम को और यहाँ पे पूरी रो में हम सिंगल क्रोशे बनाऊंगी क्योंकि ये स्टिच वन साइडेड है। अगर मैं सेकंड रो में भी यही काम करती हूँ तो यहाँ पे जो बेरीज हैं इस वाली रो में वो इस साइड पे बनेंगी, इस साइड पे नहीं बनेंगी। तो इसलिए वापस इस पॉइंट तक आने के लिए मैं पूरी रो में सिंगल क्रोशे बना दूंगी। इस पैटर्न में ऑड नंबर रोज एक तरह से बनेंगी और इवन नंबर रोज एक तरह से बनेंगी। सेकंड रो मैंने कंप्लीट कर ली है। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जो फर्स्ट रो में बेरीज बनाई हैं थर्ड रो में इन दो बेरीज के बीच में एक बेरी आए। तो हमने इस तरह बनाना है कि जब हम यहाँ से शुरू करेंगे तो एक बेरी यहाँ पे आए, फिर तीन सिंगल क्रोशे, फिर एक बेरी यहाँ पे आए, फिर तीन सिंगल, फिर एक यहाँ पे। तो इसी तरह मैं ये पैटर्न कंप्लीट करूँगी। बेरी स्टिच पूरा बनने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा।
उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आपके पास कोई भी सजेशन है या क्रोशे की कोई भी आप चीज़ सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।